जन्नत में बहार, बर्फ की फुहार। हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है क्योंकि बर्फबारी बहुत जरूरी है। फर्स्ट टाइम हमने जो है वो स्नोफॉल देखा है लाइफ में। बच्चों ने भी, हमने बच्चों की जो वो अपनों की पूरी इच्छा पूरी कर दी है। भारी बर्फबारी, मुश्किल में जिंदगानी। शिमला से केदारनाथ, बर्फ का अंबार। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। स्नोफॉल हो रही है, फर्स्ट टाइम मैंने स्नोफॉल देखी है यहाँ पे। मैं इस चीज को देख के बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। जमकर बर्फबारी, झूम उठे सैलानी। हमने पहली बार स्नो देखी और हम इसी के लिए आए थे, और जैसा हमने सोचा था हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही अच्छा था। पूरा हेवन लग रहा है, आप स्विट्जरलैंड कह सकते हो इसे। आसमान से बरसी आफत, जम गई जन्नत। कश्मीर में इस बर्फबारी को सौगात समझा जाता है क्योंकि इससे आने वाले साल में एक तो एग्रीकल्चर को काफी फायदा होता है और विंटर टूरिज्म भी बूस्ट होगा। बर्फीला तूफान, खतरे में जान। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदान में ठंड भारी। ये सर्दी अभी और सताएगी। तो अब बढ़ेगी कल से, और दर्जे हरारत जो है ड्रास्टिक रिडक्शन होगा, खासकर जो कम से कम दर्जे रहते हैं मिनिमम टेम्परेचर में। बर्फ ब्लास्ट, जम्मू कश्मीर में बर्फीला तूफान। तस्वीरें देख सहमे लोग। गुरेज से लाहौल स्पीति, एवलांच से तबाही। पहाड़ों पर बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच बर्फीले तूफान की डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। अब नॉर्थ कश्मीर के बांदीपोरा के गुरेज गांव में भयंकर बर्फीला तूफान देखा गया। इस एवलांच की तस्वीरें सिहरन पैदा कर देने वाली हैं। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो सिहर उठा। अधिकारियों के मुताबिक गुरेज का एक गांव हिमस्खलन की चपेट में आ गया। हालांकि इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बर्फ का भयंकर तूफान दिख रहा है। ये काफी तेजी से नीचे आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर सहित कई पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इससे पहले सोनमर्ग में भी एवलांच आया था जिसमें दो मजदूरों की मौत भी हो गई थी। एवलांच नीलग्रथ के पास आया था जहां पर टनल बनाने का काम चल रहा था, लेकिन बर्फीले तूफान ने सब अस्त व्यस्त कर दिया और दो लोगों की जान चली गई। वहीं शुक्रवार को हिमाचल में भी हिमस्खलन हुआ। लाहौल स्पीति में पीर पंजाल की चोटी से ये हिमखंड गिरा। हिमखंड का बड़ा हिस्सा रासिन नाले में समा गया, लेकिन ग्लेशियर से उठा बर्फ का गुबार कई किलोमीटर दूर आसपास के गांवों तक पहुंच गया। इसे देख लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। खतरा अभी टला नहीं है। जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों में अनंतनाग, कुलगाम और राजौरी में 2000 मीटर से ऊपर के इलाकों में भी हिमस्खलन होने की आशंका है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बर्फ से सज गई कश्मीर घाटी। श्रीनगर से पहलगाम पहाड़ों पर सफेद अटैक। कश्मीर की धरती जन्नत सा नजारा। कश्मीर की वादियां बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई हैं। जहां तक नजर दौड़ाइए हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ। इन खूबसूरत तस्वीरों को देख आपकी नजरें एक पल के लिए थम जाएंगी। कश्मीर में आपको सच में जन्नत सा एहसास होगा। घाटी में लगातार बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। सुबह से स्लो हो रहा था, अभी बहुत फास्ट है, चलने में बहुत दिक्कत है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है। समर के लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि समर के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है। अगर बर्फबारी नहीं पड़ी, हमें बहुत ज़रूरत है कि हमें बर्फबारी होने चाहिए। श्रीनगर ही नहीं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, कुलगाम, सब जगह की बस एक जैसी ही तस्वीर। ऊँचे ऊँचे पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। यहाँ के पेड़ पौधे भी बर्फ की आगोश में लिपटे हुए हैं। कश्मीर की ये तस्वीरें आपको यहाँ आने पर मजबूर कर देंगी। बर्फबारी और सर्द हवाओं के बीच कश्मीर सैलानियों की चहलकदमी से गुलजार है। पर्यटक घाटी की खूबसूरती देख खो जा रहे हैं। कुदरत के खूबसूरत नजारे देख सैलानी ये बोलने को मजबूर हैं कि दुनिया में कहीं जन्नत है तो बस यही है। हेवन जैसा लग रहा है सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल स्नो कॉटन की तरह बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है, हल्की हल्की है, पूरा हेवन लग रहा है। आप स्विट्जरलैंड कह सकते हो इसे, सेकंड स्विट्जरलैंड। तो आपने कभी बर्फ देखी थी? नो सर, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हमारा ये। अनबिलीवेबल, मतलब है ऐसा, हमने कभी सोचा नहीं था हमने ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे। हमने पहली बार स्नो देखी और हम इसी के लिए आए थे, और जैसा हमने सोचा था हमारे एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। ऐसा लग रहा है ये सब इधर अभी देखने के लायक है। गर्मी में कुछ नहीं है, स्नोफॉल है तो कश्मीर बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो प्लान कर रहा अभी आ जाओ। तो आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ पर आए और ये जगह बेस्ट है पर्यटक? यस यस यस, ये तो है, सबको पता है कश्मीर तो जन्नत है। श्रीनगर की हर दिलकश तस्वीर मन मोह लेने वाली है। बर्फबारी के बीच यहाँ पहुँचे लोग खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं। उनकी तो मानो जैसे हर हसरत पूरी हो गई हो। जो हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है वो जम्मू कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जारी की गई है, क्योंकि जब दिन में धूप खिलेगी तो जो बर्फ है पहाड़ों पर जो काफ़ी मात्रा में गिरी है, अगर हम मात्रा की बात करें तो साधना टॉप पर 6 फीट बर्फ है, राजदान टॉप पर 4 फीट बर्फ है, और उसके अलावा अगर हम फॉरवर्ड पोस्ट जहां पर सेना की पिकेट्स होती है वहां पर 10 से 12 फीट की बर्फ जमा हुई है। कश्मीर में सैलानियों के चेहरे तो खिले हुए हैं ही, यहां लोग बर्फबारी और ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं कमाई बढ़ने से यहां के कारोबारियों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है। कितना फायदा होता है बर्फ से? सर बहुत सारा, बहुत सारा। टूरिस्ट आते हैं तो वो आप चाहते हैं कि टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा आए यहाँ पे, जी हमारा भी प्रॉफिट हो, इनका भी फायदा हो, ये भी ताकि कश्मीर पूरा देख सके, ये हेवन है तो ये भी इसको मजा चख सके। जन्नत की इन वादियों को देखकर आंखें ठहर जा रही हैं। इन्हें देखकर और कुछ देखने का जैसे मन ही ना कर रहा हो। यही वजह है कि सैकड़ों मील का सफर तय कर लोग कश्मीर की खूबसूरती निहारने यहाँ आ रहे हैं। डल झील के किनारे भी बड़ी संख्या में पर्यटक मस्ती करते दिखाई दिए। घर हो, सड़क या फिर कश्मीर के बाजार,
सब बर्फ से ढके हुए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से सैलानी तो खुश हैं, लेकिन आम लोगों का जनजीवन दुश्वार हो चला है। बारी बर्फबारी के बीच लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। अगर घर से बाहर निकले भी तो सड़क पर चलना मुमकिन नहीं। श्रीनगर शहर और इसके आसपास के इलाकों में ताजा बर्फबारी ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सड़क के साथ साथ हवाई सफर पर भी बर्फ ने ब्रेक लगा दिया है। भारी बर्फबारी और कम विजिबिलिटी के चलते कई फ्लाइट कैंसिल कर दी गयी। आसमान से बरस रही सफेद आफत से घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगह तापमान जीरो से कई डिग्री नीचे तक पहुंच गया है। उत्तराखंड की पहाड़ियां भी चांदी जैसी चमक रही हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यहां आ रहे सैलानी बर्फबारी को खूब एंजॉय कर रहे हैं। साल की पहली बर्फबारी देख पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। बर्फबारी के चलते यातायात बाधित है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भी बर्फ जमी हुई है। हालांकि बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी नॉनस्टॉप जारी है। सैलानी तो इसका भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन आम जनजीवन बेहाल हो रखा है। लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, तो बर्फ की लॉकडाउन के चलते लोग घर में कैद रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। बर्फ के आगोश में पहाड़, हिमाचल में हिमपात। शिमला मनाली में बर्फबारी, सैलानियों में खुशहाली। हिमाचल प्रदेश इन दिनों सफेद चादर में ढका नजर आने लगा है। क्या शिमला, क्या मनाली, क्या नारकंडा, जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला बर्फबारी से गुलजार नजर आ रहा है, जिसे देखने के लिए पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। आसपास के इलाकों में ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ जम गई है। पर्यटकों को जैसे ही बर्फबारी की खबर मिली, भारी संख्या में उन्होंने शिमला का रुख करना शुरू कर दिया, जिससे होटल और रिजॉर्ट कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे। कुल्लू मनाली में हुई बर्फबारी से मौसम खुशनुमा नजर आ रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। घर हो, पेड़ हो या फिर सड़क, कोई ऐसी जगह नहीं जहां बर्फ ना नजर आ रही है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। शिमला के पास नारकंडा में भी हिमपात हुआ है, जिस वजह से पर्यटन स्थल और भी खूबसूरत नजर आने लगे। शिमला एकदम जन्नत हो रखा है, तो आप अभी आएंगे तो बिल्कुल आपको ऐसी वादी मिलेगी एकदम वाइट। हम तो ये वेदर फोरकास्ट देख के आए और इस बार वाकई में ऐसा लग रहा है कि IMD डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। इसकी मजे ले ले पहले, फिर देखते हैं आगे कहीं और जाएंगे कि नारकंडा कैप्टर चले जाएं। हिमाचल का पर्यटन स्थल चंबा, जो कि बर्फबारी कम होने की वजह से सूना पड़ा हुआ था, वहां भी अब बर्फबारी की वजह से सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है। धर्मशाला पहुंचे पर्यटकों के चेहरे भी बर्फबारी से खिल उठे। यहां पर्यटक बर्फ से अटखेलियां करते नजर आए। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ये स्नोफॉल का वेट कर रहे थे, तो हम ऐसे आए थे कि बारिश की तो है, पिछले ईयर भी ऐसा ही हुआ था, तो आ गए और हम आते स्नोफॉल शुरू होगी, बहुत खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सारे। हिमाचल में हर साल बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए हजारों सैलानी यहां का रुख करते हैं। इस साल भी हिमाचल की कई जगहों पर हुई बर्फबारी लोगों को यहां आने पर मजबूर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।